नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कृषि इनकम चैनल में। मैं फिर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये बादाम का पौधा है और इसे जो नाम दिया गया है वो कैलिफोर्निया आलमंड के नाम से वैरायटी को इसको नाम दिया गया है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बादाम के पौधे की तरह होती हैं। हालाँकि बादाम के पौधे को एक मेवा भी बोलते हैं किसी कहीं कहीं पर, किंतु तकनीकी दृष्टि से यह बादाम के पेड़ के रूप का, बादाम का जो पेड़ होता है उसके पेड़ के फल का बीज होता है। ये बादाम का पेड़ एक मध्यम आकार का पेड़ होता है जिसमें गुलाबी और सफ़ेद रंग के सुगंधित फूल लगते हैं। ये पेड़ पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपका जो है हाई टेम्परेचर के लिए ही आता है ये, जबकि आपका सर्दियों में वैसे ज़्यादा होता है, लेकिन हाई ये कैलिफोर्निया आलमंड जो ट्री है ये आपका हाई टेम्परेचर के लिए ही वैरायटी बना है। इसका जो वैरायटी का नाम है मैंने आपको बता दिया, कैलिफोर्निया आलमंड है। और आपका जो ये इसके जो फल वनस्पति रूप से अष्टफल के रूप में जाने जाते हैं और इनमें एक ब्रह्मा छिलका होता है तथा एक कठोर छाल के साथ अंदर एक बीज होता है। आम तौर पर बादाम बिना छिलके के ही मिलता है। इसका बीज निकालने के लिए छिलके को अलग करना होता है। छिले हुए बादाम गेहूँ या गहरे पीले रंग के होते हैं। बादाम दो प्रकार के होते हैं, मीठे और कड़वे। मीठा बादाम आपका खाया जाता है और कड़वे बादाम का आपका तेल निकाला जाता है। कड़वा बादाम इसलिए नहीं खाया जाता है ताकि थोड़ा वो विषैला होता है, उसके अंदर विष का प्रकोप होता है थोड़ा, इसीलिए जो है कड़वा बादाम नहीं खाया जाता है। आप इसकी खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप कहीं चाहो तो इसको जो एक पोट में गमले में लगा सकते हो, गमले में भी एक बार को ये फल दे देगा। कैलिफोर्निया आलमंड जो आपका वैरायटी है बहुत ही अच्छा वैरायटी है। आप पोट में लगाओ, मान के चलिए लगभग 20 इंची का आपका पोट है, उसमें आप लगा दीजिए, 2 से 3 साल में आपका फल आ जाएगा। और आप अगर खेती करना चाहते हो तो खेती भी आप कर सकते हो। ये देखिए आप इमेज में देख रहे हो, ये खेती ही हो रही है। इसका जो पत्ता होता है बिल्कुल आलू की तरह होता है, उसी प्रजाति में से आपका ये बनाया गया है। खेती करने के लिए आपको 1 एकड़ में जो पौधा लगता है कैलिफोर्निया आलमंड का वो आपका लगेगा 400 पौधा 10x10 पर, सॉरी 360 से 400 पौधे के बीच में आपका जो 1 एकड़ में पौधा लग जाएगा। मैं आपको हर तरह की, हर बार की तरह नर्सरी का नंबर आपको डिस्कशन में दे दूंगा, आप ज़रूर देख लेना और वहाँ से और किसी भी चीज़ की जानकारी आप ले सकते हो। और आप 10x10 पे आपको ये पौधा लगाना है। बादाम आपका जो फ्रूटिंग स्टार्ट होती है 2 से 3 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए इस तरह से बादाम बनता है, आप पिक्चर्स में देख रहे हो। ये पिक्चर जो मैंने ठाई हैं वो नेट से ही ठाई हैं, लेकिन क्या केवल एड, हमारा जो ऐड करने का तरीका है वो ये है कि आप तक बस पता लग जाए किस तरीके से कि आज कैलिफोर्निया आलमंड भी कोई वैरायटी आती है, जिससे कि जो कुछ किसान है इंडियन वैरायटी आती है उसको ना लगाएं, इंडियन वैरायटी में आपका फल जो नहीं आएगा। पौधा आप, मैं नर्सरी का नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको कैलिफोर्निया आलमंड आड़ू की पत्ती की तरह पौधा आपको कहीं नज़दीक मिल रहा है आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन लगाकर आप ज़रूर देखना। ये हाई टेम्परेचर के लिए ही आता है। इसमें आपको लगभग, अगर आप 1 एकड़ में एरिया में लगाओगे तो लगभग 10 से 15 लाख की इनकम ईयरली आपका बैठ जाएगा। इनकम आप देखो तो और किसी मुकाबले इसका अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट में इसका रेट बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप रिटेल में लेने जाओगे कहीं से तो मान के चलिए 800 रुपया केजी में ये बिकता है। जो बादाम होता है, बादाम का जो ये गिरी होता है तो ये 800 रुपया किलो बिकता है, और वैसा लोगे आप तो लगभग 600 रुपया किलो बिकता है। होलसेल में आपका जो कुछ कम बिक जाएगा, मान के चलिए 600-700 को बिक जाएगा गिरी, मार्केट में 800 रुपये बिकता है। आप इसी वैरायटी को लगाइएगा, लगाने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा आपका ये रहा और कैसा आपको लगा पौधा लगाने के बाद और कैसा फल आया। मैं आपको नया नया वीडियो बना करके इसी तरह से बताता रहूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि
हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आगे इसी तरह का नया नया वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और प्लीज़ खेती ज़रूर, अगर आपके पास एरिया है तो खेती ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, मैं अगला वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। धन्यवाद।